हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जी हम आए हैं रोही के अंदर और चोलिस्तान से, यहां से हम लकड़ियां काट के लेके जाएंगे, ठीक है। और हम सवारी साथ में लेके आए हैं जी, ये फट्टा रिक्शा है, ठीक है, ये देख लें, ये साथ में लेके आए हैं और इस पे लाद के लेके जाएंगे। तो जी चोलिस्तान के अंदर से जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह अपने इकट्ठी करती हैं, तो पीछे आप चोलिस्तान का व्यू देख लें, सही है। तो अभी जैसे ही हम आए हैं तो आगे जो है रास्ता बंद है, खाली निकली हुई, तो हम देखते हैं जी खाली को, अभी जो है हम कसी की मदद से उसको सही कर रहे हैं, उसके बाद आगे से जो है लकड़ियाँ वगैरह ला देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम आए हैं इधर, तो देखा जी इधर से जो है रास्ता बंद था, ठीक है, इधर खाली निकली हुई थी, ये नाली है, तो इसमें से जो है रास्ता बनाने के लिए पहले इसमें मिट्टी डाली है, ठीक है, अब ये मिट्टी वगैरह डाली है और अब जो यहाँ से ये फट्टा रिक्शा निकल जाएगा, सही है। तो अभी इसको सेटिंग कर लिया, मिट्टी जो है उसमें डाल के खाली को जो पूरा भर दिया गया, सही है। अभी यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह काटेंगे, अभी देख लें, ड्राइवर साहब ने स्टार्ट कर लिया और अभी इधर से हम इसको उतारने वाले हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये फट्टा रिक्शा अब जो है यहाँ से गुजर चुका है, सही है। तो अभी इसकी कुछ सेटिंग बाकी है, क्योंकि जब लकड़ियाँ लाद के लाएंगे तो ये भारी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोही के अंदर जो इस तरह की लकड़ियाँ होती हैं और इसको काट के जो अभी हम फट्टा रिक्शा लोड करेंगे, सही है। तो कुछ दोस्त हमारे आए हुए थे इधर भाई, और उन्होंने जो है अभी काटा है, काट के जो ये बाहर इकट्ठा किया हुआ है, सही है। अभी इसको छोटे छोटे टुकड़े करके हम ला देंगे इसके ऊपर। तो ये देखें, काफ़ी जो दोस्त हैं वो टुकड़े कर रहे हैं इसके, और कुछ जो है फट्टे के ऊपर लाद रहे हैं इनको, सही है, ये देख रहे हैं। तो कुछ दोस्त जो हैं वो उठा के लाद रहे हैं। तो ये देख लें फ्रेंड्स, अभी हम काट के जो इधर जमा कर चुके हैं, और अभी देखें जी, तो ये भाई हैं जो कि काट रहे हैं इसको, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसके बाद जो हम इसको फट्टे के ऊपर ला देंगे। ये देख लें, कुछ भाई जो हैं वो लोड कर रहे हैं इसको, इधर ठाटा ठाटा बैरा भी चलता है, सही। तो ये देखें जी, इसके जो कांटेदार लकड़ी है और उसको जो हाथ नहीं लगाते, इस तरह लकड़ी से उठाते हैं। तो फ्रेंड्स कांटेदार होने की वजह से जो लकड़ियां आपस में फंसी हुई हैं, तो अभी देखें भाई अलहदा कर रहे हैं इनको खींच के। तो फ्रेंड्स ये वाली लकड़ी इतनी कांटेदार है कि इसको हाथ वगैरह भी नहीं लगाया जाता, सही है, इसको जो है लकड़ी से ही उठाएंगे, सही है। कांटा जो है इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे हैं इसमें, सही है। तो ये हमारे भाई जो है अभी उठा रहे हैं। तो राम राम भाई, जय श्री राम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहब्बत जी। मोहब्बत जी, तो भाई का नाम है जी मोहब्बत जी, और अभी ये देखें जी ये उठा रहे हैं इसको, ठीक है, ये देख लें, जो इसको हाथ वगैरह नहीं लगता, ठीक है। और ये भाई जो है इसको काट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसके बाद इसको जुटाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, रिक्शा जो है लोड किया हमने, लेकिन जो है कांटे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए तो थोड़ी सी लकड़ियां जो नीचे से बाहर आ गई पीछे से, सही। अभी उनको काटने के लिए जो वैसे कटती नहीं थी, तो भाई का देसी तरीका देख लें जी, नीचे लकड़ी रखते हैं और उसके बाद ऊपर रख के जो ये कांटे काट लेते हैं, ठीक है, ये देखें, ये वैसे जो कुल्हाड़ी इसको काटती नहीं है। ये देखें फ्रेंड्स, तकरीबन आधा जो रिक्शा है वो लोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स रिक्शा जो है वो ओवरलोडेड हो चुका है, और अभी जो है एक भाई को ऊपर चढ़ाया हमने, ठीक
ठीक है, वो इसको दबाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली लकड़ी दूसरी किस्म की है जी, देख लें, इसमें जो कांटे वगैरह नहीं है इसको लाने की लकड़ी बोलते हैं, और ये गीली भी जलाई जा सकती है। सी अभी ये लाद रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कांटे वगैरह जो भाई के पैरों में चुभ रहे हैं वो ना चुभे इसलिए। तो फ्रेंड्स ओवरलोड होने की वजह से जो है रिक्शा उठ गया ऊपर से, अभी नीचे करने वाले इसको। तो अब जी रिक्शे के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम पत्ते वगैरह नहीं लाद रहे और सिर्फ लकड़ियाँ ही लाद रहे हैं। ठीक है, पत्ते वगैरह इनके उतार दिए, अब देखें सिर्फ लकड़ियाँ लाद रहे हैं जी। तो फाइनली जो रिक्शा है हमारा वो लोड हो चुका है, और अभी जो इसको रस्सा वगैरह टाइट कर रहे हैं, ये देख लें भाई जो अभी रस्सी टाइट कर रहे हैं इसकी, क्योंकि ये जब चलेगा तो सड़क में जो है रोड पर जंप वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ये गिर ना जाए, इसलिए इसको पहले टाइट कर देंगे रस्से की मदद से। तो ये देख लें अभी भाई जो है रस्सा टाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो ड्राइवर हैं वो इसमें बांधने वगैरह महारत रखते हैं, क्योंकि वो पहले भी इसको बांधते रहे, तो उन्हीं को दिया जी ये रस्सा बांधने वाला काम। ठीक है, अभी देखें भाई खींच के जो इसको टाइट कर देंगे। तो देखें फ्रेंड्स एक साइड की रस्सी जो बांध ली है इन्होंने और दूसरी बांध रहे हैं। अभी भाई कह रहे हैं जी जो उठ ना जाए रिक्शा, इसलिए वो ऊपर चढ़ गए उसके। ठीक है, ये देखें ऊपर चढ़ के खड़े हो गए कि कहीं वो रिक्शा जो है पीछे दोबारा उठ ना जाए। तो ये जी हमारे भाई हैं जिन्होंने सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, सुबह से इन्होंने आके जो इधर लकड़ियाँ वगैरह काटी हैं। तो राम राम भाई। जय श्री राम भाई। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। ठीक हो, तबीयत से ठीक है? ठीक है भाई। तो आप कब से आए हुए हैं ये काटने के लिए? भाई सुबह 5 बजे के आए हुए हैं हम यहाँ। तो ये भाई जी सुबह 5 बजे से इधर आए हुए हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह लेके इन्होंने जो ये काटे हैं, और अभी जो है बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जो काट चुके हैं ये, इसलिए जो आधी हैं वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये फटा रिक्शा जो है वो लोड हो चुका है फुल। ठीक है, अभी इसके जो हम रस्सा टाइट कर रहे हैं, ठीक है, रस्सी टाइट करने के बाद जी इसको स्टार्ट करके यहाँ से निकालेंगे, और ये देख लें सारा जो है रेगिस्तानी है। तो भाई काम तकरीबन फाइनल हो चुका है, और अभी ये लास्ट में पानी वगैरह पी रहे हैं, पानी भी गर्म हो गया यार। सही है, तो ये कूलर में पानी ठंडा लेके आए थे, और अभी भाई बोल रहे हैं कि पानी जी गर्म हो गया। ठीक है, ये भाई देखें अभी सामान वगैरह अपना क्लोज कर रहे हैं। फाइनली जी पानी वगैरह पीने के बाद जी हम रिक्शे को लेके निकले इधर से, अभी देख लें जी। ठीक है, जा रहे हैं, और निकल नहीं रहा था रिक्शा, इसलिए भाई धक्का वगैरह लगा रहे हैं। ओहो, फिर से मुसीबत पेश आ गई यार, देख लें अभी जो रास्ता जाते हुए हम बना के गए थे वो रास्ता अभी दोबारा वहाँ पे जो रिक्शा बैठ गया, तो ये देख लें नीचे से जो टायर वगैरह उसके वो नीचे बैठ गए, मिट्टी में अंदर दब गए। ठीक है, अभी कुल्हाड़ी वगैरह से ही रास्ता उसका साफ़ करें, मिट्टी वगैरह टायरों के आगे से साफ़ करेंगे, तो उसके बाद धक्का लगा के इसको निकालेंगे जी। सही है, तो देख लें भाई लगे हुए हैं इसको साफ़ करने के लिए टायर वगैरह। देखें धक्का लगा के निकालेंगे रस्सा वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लें सुबह से आए हैं और मुश्किल से मुश्किल ही पेश आती जा रही है। देख लें फ्रेंड्स अभी जो रिक्शा जैसे ही रेत में से निकला है तो उसका जो है हैंडल टूट गया आगे से, तो अभी लेके बनवाने के लिए गए हुए हैं जिस सिटी। सही है, इसको सपोर्टें वगैरह दे के लकड़ियों को खड़ा कर दिया इधर। तो फ्रेंड्स जब तक वो इसको बनवा के लाते हैं हैंडल को, तब तक मैं आपको जी रूही का विज़िट करवाता हूँ। ये देख लें जी, ये डेजर्ट है इधर जहाँ से हमारी हिंदू कम्यूनिटी लकड़ियाँ वगैरह भी लेके जाती है, और इधर जानवर वगैरह भी चराते रहते हैं दिन के औकात में। ठीक है, देख लें फ्रेंड्स जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो फ्रेंड्स फाइनली 2 घंटे के बाद जी अभी ये बनवा के ला चुके हैं हैंडल उसका, और अभी जो हमारे ड्राइवर हैं वो इसको सेट करेंगे। ठीक है, देख लें उसके जो मैकेनिक नहीं लेके आए इधर, सिर्फ बनवा के लाएँ उसको, अभी इसकी सेटिंग खुद ही करेंगे, उससे औजार वगैरह ले आए। देख लें जी दोनों तीनों भाई लगे हुए हैं इसको बनाने में। तो फ्रेंड्स ये देख लें, ये हैंडल है इसका जो बनवा के लाए, मेरे हाथ में ही पकड़ा हुआ हैंडल। सही है, और जो भाई हैं उसको सेट कर रहे हैं, नेट वगैरह उसके पहले टाइट करेंगे, उसके बाद जो है ये हैंडल अंदर फिट करेंगे उसके।
हैंडल जो है उसमें तकरीबन फिट हो चुका है। ठीक है, ये देख लें जी, वायरिंग वगैरह, अब जो उसकी तारें वगैरह सारी टूट गई थी, सी ये ब्रेक और क्लच वगैरह सारा कुछ निकल गया था उसमें से तारें, और अभी जो वायरिंग वगैरह सेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो तकरीबन वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और देख लें इसका जो रिक्शे का गिरने की वजह से बैलेंस ख़राब हो गया, अब इसका बैलेंस हम सही करने वाले हैं। भाई बैलेंस चेक कर रहे हैं कि सही है, ये देख लें जी, उठाया उसको और बैलेंस अभी बराबर करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो है भाइयों से नीचे नहीं आ रहा, तो एक और भाई को बुलाएँगे अभी, वो जो है नीचे करवाएँगे। देख लें जी, तो बटन बहुत ज़्यादा पीछे चला गया यार, सही है। तो अभी दूसरे भाई आए हैं, तो देखें जी ये नीचे आ गया, तो भगवान की कृपा से जी अभी हम बिल्कुल रिक्शा वगैरह सेट कर चुके हैं और अभी निकलते हैं जी घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये व्लॉग एंड होता है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।